तो हे व्हाट्सअप गैस, क्या हाल चाल। तो गैस फाइनली आ चुके हैं कॉर्नी वीडियो के साथ, और आज हम फिर से रोहन गेमिंग एंड मयूर गेमिंग की जो कंट्रोवर्सी के बाद जो उनका लास्ट जो डिस्कशन क्या हुआ था वो मैं आपको सारा कुछ सुनाऊंगा हम रोहन भाई की तरफ से, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या कुछ नहीं बोला है, ठीक है, सब कुछ सुनाऊँगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। और यार जो मैंने 5-6 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया यार, उसके लिए धन्यवाद यार। उसके तभी बाद में पार्ट लेके आया हूँ, तो देखिए आप लोग कि उनका लास्ट में जो क्या डिस्कशन हुआ था और सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर वो वाला 5 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए सुनते कि रोहन भाई ने क्या बोला है। क्या बात हुई। देखो मैं और मयूर भाई अभी डिस्कॉर्ड पे काफ़ी 2 या 3 घंटे से बात की, बहुत सारी और बहुत सारी कोशिश भी की कि हम लोग किसी डिसीजन पे आए कि साथ में खेले फिर से और सब कुछ जो भी हुआ है दोनों के बीच में सोल्व कर पाए, पर हम दोनों की सोच ही पूरी अलग हो चुकी है। अभी ऐसा हो रहा है गाइस, उनकी सोच जो है वो पूरी अलग हो चुकी है, मेरी सोच पूरी अलग हो चुकी है। हमारी कुछ कंडीशंस है जो मेरी जो कुछ कंडीशंस है जो पहले से मैंने रखी हुई थी वो उनको पसंद नहीं है कि मतलब आपको अगर मेरे साथ खेलना है। देखो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊंगी कि 3 घंटे तक बहुत सारी बात हुई, लेकिन कुछ भी डिसीजन हम लोग नहीं ले पाए, ठीक है। अभी बातचीत एंड में कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाए, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की ना तो कंडीशंस हो रही है ना तो एक दूसरे के साथ जो भी कंडीशन से हम खेल रहे थे या फिर जो भी हो रहा था, जो भी चीज़ मतलब सब कुछ कुछ भी नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ। मतलब ना कुछ वो तय कर रहे हैं ना कुछ मैं तय कर पा रहा हूँ, ठीक है, ना कुछ कुछ वो मान पा रहे ना मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ बोल रहे हैं वो मैं मान नहीं सकता, मैं जो चीज़ बोला वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बस यही सब, बहुत टाइम तक बातें हुई और उनकी जो भी गलती वगैरह जो है वो मतलब उनको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वही मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश भी की उनको समझाने की कि हाँ आपको समझ जो में आ रहा मेरे है से भाई। मिल रहा था वो आपको काफ़ी नहीं है, आप अलग कंटेंट डाले हुए सब। तो मतलब उनका जो नज़रिया है पूरा मेरा जो नज़रिया है पूरा अलग हो रहा है, ठीक है, पूरा सब कुछ अलग चल रहा है मतलब। और उनको मतलब क्या बताऊँ, मतलब पार्टनरशिप की जो टर्म्स वगैरह थे वो भी उनको नहीं मानने अभी तो, कि आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो तो अभी पार्टनरशिप कहाँ की। तो मैंने जो भी करके दिया अब तक उसका मैंने आपको दिया करके वो भी उनको लग रहा है कि इतना अभी मैं नहीं दूंगा करके, तो वो सब भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कहीं पर भी बात नहीं बैठ रही है, कुछ भी सही से नहीं हुआ बातचीत, मतलब वो अपने बात पे अड़े हुए हैं, मैं अपनी बात पे हूँ, बस वही सब है। देखो आपने सबसे पहले कल जो सबसे पहले चीज़ की कि आपने अपनी गलतियाँ छिपाने के लिए एमा पे सारी गलतियाँ डाल दी, उसकी आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या फिर माफ़ी ना मांगो पर व्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं थी, इतना तो बताना ही पड़ेगा। तो वो भी वो मना कर रहे कि नहीं मैं वो नहीं करने वाला, क्योंकि वो अगर वो वैसा करते हैं तो फिर उनकी गलतियाँ दिखेगी तो वो भी शायद नहीं होने वाला, या फिर हो भी सकता है वो अगर माफ़ी मांगते या फिर अगर अपनी गलती मान लेते तो वो भी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी दोनों के लिए। वो भी चीज़ हुई है क्योंकि जो भी हुआ है अब तक जो भी किया है सब बात में कॉम्प्रोमाइज़ किया है मैंने, हर एक चीज़ में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, फिर भी वो समझ नहीं रहे, उनको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वही सही है, और सिचुएशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती है हर बात पे, मतलब सिचुएशन चेंज कर करके खुद ही चेंज किया है। तो अभी आप उनके पॉइंट ऑफ एंगल से देखो तो वो सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर एक बात पे मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब तक कॉम्प्रोमाइज़ करता आया और उनको भी पता है, वो मानते भी है ये चीज़, मान के भी मतलब उनको मतलब और चाहिए कि मैं अलग से जो वीडियो बना रहा हूँ अलग से कंटेंट जो कर रहा हूँ आपके साथ जो नहीं कर रहा तो वो भी मतलब सही कर रहा हूँ, तो वो सब मतलब नहीं हो रहा है, मुझे वो सब पसंद नहीं है, ठीक है। वो दूसरे के कंटेंट ला ला के डालते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, मैं साफ ही बताऊँगा, क्योंकि मुझे अपने चैनल पे मैंने आज तक एक कंटेंट एक चीज़ भी ऐसी नहीं डाली जो किसी और की हो, ठीक है, और मुझे ऐसा पसंद नहीं कि मेरे साथ जो भी गेमर्स है जो भी गेमर्स अपने साथ रखूँ मैं अपना पार्टनर रखूँ
वो मतलब मेरे तरह होना चाहिए, मेरी तरह मतलब गेम्स वगैरह हम साथ में खेल रहे हैं तो साथ में सब चीज़ें होनी चाहिए। मेरे हर एक वीडियो में उनका मतलब हर एक वीडियो में मेरे वो होते हैं, ठीक है मैं, लेकिन उनके कोई भी वीडियो में मतलब ज़्यादा वीडियोस में मैं नहीं होता, ठीक है। तो उस बारे में भी बात हुई तो मुझे बोल रहे कि आप भी कुछ वीडियोस बनाना चालू करो अलग से जिसमें मैं सपोर्ट करूँगा। तो फिर मुझे ऐसे कोई वीडियो बनाने नहीं है, मेरे जो वीडियो वो मेरे चैनल मतलब स्ट्रीम वगैरह के होते हैं, तो वही सब बात हो रही है। बहुत कुछ बात हुई काफ़ी 2-3 घंटे तक, और कुछ भी मतलब सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाए उसके ऊपर से, लेकिन क्योंकि क्या बताओ अभी मतलब वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, पर मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको मेरे तरफ से तो फ़ायदा हो ही रहा था तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है, तो वो नहीं समझ रहे, और वो मुझे ये समझाना चाहते कि मैं जो अलग से कर रहा हूँ उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो मैं मुझे वो समझ में आ रहा है कि मुझे तो मेरा तो नुकसान हो रहा है करके, तो वो सब हो रहा है। बहुत कुछ बातें हुई, क्या बताऊँ मैं। फिर मैंने फिर आखिर में बोल दिया कि अगर आपको मतलब आपको यहाँ तक मैंने ला के इतना प्लेटफॉर्म बना के दिया तो उसका जो अप्रिसिएशन है, जो मैंने आपके पीछे जो मेहनत की अब तक की, वो उनको पता भी है, वो जानते भी है, वो मानते भी है वो सारी चीज़ें कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना उनको सपोर्ट किया, वो सब वो मान के भी उनको मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेरा हिस्सा है वो देने से मना करना है कि 5 साल तक हमारा, 2 साल तक 50% रहेगा और 3 साल तक 30% रहेगा, तो वो भी नहीं करना है। ये जानते हुए कि मैंने इनका इतना सपोर्ट करके इतना कुछ ला के दिया है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि अगर आप ये सब चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है वो करना बंद कर दो, अगर आप हम पहले जैसे अगर साथ में खेले तो भी दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप जो ऐसे बंदों को ऐसे कुछ अपने तरफ करने की कोशिश करते हो, फिर कुछ चीज़ें जो आप कंटेंट अलग से डाल रहे हो, व्लॉग्स वगैरह अलग से कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मेरी गेमिंग की चीज़ों में नहीं आती, और मैं वो सब चीज़ें अपने पार्टनर को ऐसा नहीं रखना चाहता, तो वो सारी चीज़ें अलग हो रही है, तो वो सारी चीज़ें वो ना वो समझ पा रहे मेरी बात, ना मैं उनकी बात समझ पा रहा हूँ, गलत सोच रहे कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खुद गलत कर रहे कुछ भी, और मैं जो कर रहा हूँ वो मतलब एमा के बारे में गलत बता रहे कि एमा ने सब कुछ चढ़ाया हुआ है, ठीक है। अभी खुद जो कर रहे हैं कंटेंट वगैरह अलग से बनाना चालू किया, अलग से खेलना चालू किया, तो वो खुद ने किया, एमा ने नहीं बोला था उनको, एमा ने तो ऊपर से मुझे बोला कि ये भले अभी उनको समझाओ जाके कि ऐसा मत करो तो साथ में खेलते करके, अभी एमा पे सब कुछ हेट डालने की कोशिश कर रहे तो वो मत करो, वही बोला मैं आखिर में। तो अभी पार्टनरशिप का जो हिस्सा है वो तो मैं फिर लीगल एक्शन कुछ ट्राई करता हूँ लेने का, या फिर वो अपने मतलब पहले से मैं आराम से बात की उनको कि जो मेरा हिस्सा है वो तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, इतनी मेहनत मैंने की, अपने व्यूअर्स दिए, अपने व्यूअर्स यहाँ पे कम करवा के आपको दिए, जो 2000 व्यूअर्स आते थे उसमें से आधे तो मेरे होते थे करके, तो वो सब नहीं समझ पा रहे ना।